अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मालूमात की डायरी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, टोक्यो से ताल्लुक रखने वाले 38 साल शोजी मोरिमोटो कुछ न करने पर अपनी खिदमात किराए पर देते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया में मुख्तलिफ तरह के निकम्मे और काहिल इंसान पाए जाते हैं, लेकिन इस निकम्मेपन और काहिली पर इन्हें लोगों की जानिब से सिर्फ बातें ही सुनने को मिलती है। लेकिन जापान में एक शख्स ऐसा भी है जो कुछ न करके पैसे कमाता है। टोक्यो से ताल्लुक रखने वाले 38 साल शोजी मोरिटोमो कुछ न करने पर अपनी खिदमात किराए पर देते हैं। जापानी शहरी लोगों के लिए कुछ न करने पैसे कमाता है। उसकी खिदमात सिर्फ इसलिए ली जाती है जिसमें अगर कोई शख्स तनहा लंच या डिनर कर रहा हो या सफर कर रहा हो तो शोजी उसे पास बैठा देखता रहता है ताकि उस शख्स को तनहाई का एहसास ना हो। प्यारे दोस्तों, शोजी ने 2018 में मुलाजिमत छूट जाने के बाद किराए पर कुछ करने वाला शख्स दस्तियाब के नाम से ट्विटर हैंडल बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्विस को मुतारिफ कराने के बाद अब तक 3000 लोग इससे राबता कर चुके हैं, जिनमें बाकायदगी से रोजाना 2 से 3 लोगों का इजाफा होता है जो शोजी को खाने और सफर के लिए कुछ न करने और सिर्फ पास बैठने का मुआवजा देते हैं। प्यारे दोस्तों, गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शोजी का कहना था कि वो कुछ न करके अपनी खिदमात का मुआवजा वसूल करता है जिसके लिए उसे कोई खास जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। वो बातचीत नहीं करता, उसके बरक्स चिट चाट पर रद्दअमल का इजहार करता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना और मज़ीद ऐसे मालूमती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मालूमात की डेयरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।